ये बैंगलोर की जीत की तीन बड़ी बातें हम दिखा रहे हैं, देखिए। और ये एन यही घटा डिविलियर्स और विराट के बीच में जो शतकीय साझेदारी हुई, रीमा जिसका हवाला दे रही थी, पर्टिकल फिंच के बीच 67 रन की पार्टनरशिप हुई, ये बात शुरू में ही ये आधारशिला रख दी गई। और बैंगलोर की टीम ने आखिरी 5 ओवर में 83 रन जोड़े, जो कि जाहिर है बहुत कमाल की बल्लेबाजी हुई है। तो ये कुछ देर के लिए समझ में नहीं आ रहा होगा केकेआर को कि रोकना कैसे है रनों को। जी हाँ, क्योंकि अगर आप उनकी बॉलिंग भी देखते तो लेंथ बॉल डाले जा रहे थे, अगर यॉर्कर भी था तो वो डाउन द लेग जा रही थी। जब विकेट का पेस स्लो हो जाता है तो आपको स्लोअर डिलीवरी यूज़ करनी पड़ती है, स्लोअर बाउंसर यूज़ करनी पड़ती है, जो एक आधा बार रसल ने की और नागरकोटे की मैंने एक दो स्लोअर बॉल देखी थी। उसके अलावा प्रसिद्ध विकेट ने किसी ने स्लोअर बॉल डाली नहीं। और अगर पांचों के पांचों गेंदबाज डाले, आपने सुनील नारायण को बाहर बिठाया, आपके पास छठा ऑप्शन नहीं था, आपके पांचों गेंदबाज पिटे, चक्रवर्ती ने थोड़ी बहुत सही गेंदबाजी की, तो रणनीति में डेफिनेटली थोड़ा सा जो बदलाव था वो उनके हक में नहीं गया, इसलिए होमवर्क बहुत करना पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की हार की तीन बड़ी वजहें वो डिस्कस करते हैं, लेकिन पूर्णिमा आपने ये सोचा था कोलकाता नाइट राइडर्स, और कोलकाता नाइट राइडर्स के डगआउट में मैं अक्सर देखता हूं बहुत तैयारी होती है, हर एक बॉल का विश्लेषण होता है, हर एक खिलाड़ी के बारे में सोचा जा रहा होता है, ऐसे में इस तरीके की रणनीति के साथ बैंगलोर को टैकल करना मेरे समझ में नहीं आया। बिल्कुल, और आपने क्योंकि दिनेश रणनीति की बात की, टोटल स्ट्रेटजी फेलियर आप इसे कह सकते हैं। एक तरफ जहां पर आपने कोशिश की बल्लेबाज ज्यादा रखने की, आपकी बल्लेबाजी नहीं चली। आप किसी की भी बात कर लीजिए, आप मॉर्गन की बात कर लीजिए या फिर आप खुद कैप्टन कार्तिक की बात कर लीजिए, इसके साथ आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए, कोई चलता हुआ नजर नहीं आया। स्पेशली अगर आप ये बात करेंगे कि बड़ा बड़ा टारगेट था और बड़े टारगेट के बीच में बड़ी पारियां खेलनी थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज वो बड़ी पारी खेल नहीं पाया, जो काफ़ी मुश्किल नज़र आया। और क्योंकि सुनील नारायण का ना खेलना ज़रूर खला है, कोलकाता ने 64 रन पर पहले 5 विकेट गवा दिए, ये बड़ी वजह रही है। और सफल जो सलामी जोड़ी है उसमें बदलाव करना दिनेश डेफिनेटली भारी पड़ा है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, आपकी टीम फॉर्म में थी, आपने स्ट्रेटेजी चेंज की और आप उसमें फेल।